Once again, welcome on my YouTube channel, Fun and Learn. Myself Savita, and today I am going to teach English pattern writing in four-line copy. So let's start. So मैंने अपने पहले एक दो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे ए टू जेड को इन सीक्वेंस नॉट इन सीक्वेंस मैंने आप बताया था कि बच्चों को कैसे ए बी सी डी राइट करवाते हैं, ठीक है। अब मैं उन्हें बताऊंगा कि फोर लाइन की कॉपी में कैसे इंग्लिश के लेटर्स जो होते हैं अल्फ़ाबेट्स उनको कैसे राइट करते हैं। तो उससे पहले हमें इंग्लिश के कुछ पैटर्न्स जान लेने हैं कि ताकि बच्चों को लाइन का नॉलेज हो जाए कि उन्हें कौन सी लाइन में कैपिटल लेटर लिखना है, कौन सी लाइन में स्मॉल लेटर लिखना है, इससे उन्हें कोई आगे दिक्कत ना हो। सो आइए अब हम देखते हैं कि हमें लाइन की जानकारी के लिए हमें कौन से लेटर्स के लाइन को हमें जानना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन, वन टू थ्री, ऊपर की वन टू थ्री लाइंस में ही हम को जितने भी कैपिटल लेटर हैं 26 लेटर्स हैं, वो 26 लेटर्स को हम ऊपर की वन टू एंड थ्री लाइन को ही यूज करते हैं, उसमें हम कैपिटल लेटर लिखते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये है स्टैंडिंग लाइन। तो यहाँ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, जो ये तीन तीन लाइन का जो ये है गैप, इसी में हम कैपिटल लेटर्स को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों को लाइन के बारे में ही बताएंगे। ये मैंने स्टैंडिंग लाइन यहाँ पे बना दिया है, आप सेम टू सेम ऐसे ही वर्क देंगे, बट वन वन पेज मैंने यहाँ पे वन टू टू लाइन ड्रॉ किया है, बट यू विल डू वन वन पेज, वन पेज स्टैंडिंग लाइन और टू पेज यू विल डू एक्स्ट्रा पेज योर वर्ड। सो मैंने यहाँ पे दो ही लाइन लिखे हैं, आप अपने बच्चों को ये वन वन पेज टू टू पेज जितना आपका बच्चा लिख सकता है यू कैन डू, ओके। ऐसे देखिए आप ऊपर ड्रॉ डॉट लगाएंगे, फिर थर्ड लाइन में लगाएंगे, सेंटर लाइन को आप टच नहीं करेंगे। जहाँ जहाँ पे मैंने जैसे मैंने बताया है सेम टू सेम वही प्रोसेस से अगर आप अपने बच्चों को लाइन के बारे में बताएंगे चाहे डॉट लगाएंगे तो वो वैसे ही राइट करेंगे। अगर वो मिस्टेक करते हैं तो उन्हें प्लीज़ इस चीज़ के लिए प्लीज़ उन्हें टोकिए। सबसे पहले तो आप लेटर्स मैंने मैथ्स की कॉपी में ही बताए थे, ये फोर लाइन की कॉपी मैं अब यूज कर रही हूँ क्योंकि बच्चे इसी कॉपी में ही लिखते हैं तभी उनकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है और आगे भी उन्हें आगे जो जिस भी क्लास में अगर वो जाते हैं तो फिर इंग्लिश की ही कॉपी में उन्हें ऑल सब्जेक्ट्स लिखने होते हैं। सो हमें अपनी नींव को ही मजबूत पहले करनी पड़ेगी। तो ये हम स्टैंडिंग लाइन को ऐसे ऐसे ड्रॉ कराएंगे बच्चे से ऐसे। नेक्स्ट है हमारा स्लीपिंग लाइन, सेंटर लाइन में जो हम ये बीच वाली लाइन बोलते हैं इसको ऐसे, या मैंने यहाँ पे स्लीपिंग लाइन 5-6 ड्रॉ किया है, आप भी ऐसे ड्रॉ करके बट पॉइंट लगा दीजिएगा और फिर ऐसे ऐसे बच्चे को केयर करते रहिएगा कि बच्चे ऐसे लिखते भी रहें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन भी मैंने ऐसे ही किया है, 3-4-5-6 ऐसे बना दिया है और वन वन पेज आप अब बच्चों को आप वन पेज टू पेज ऐसे दे सकते हैं जिससे बच्चे लाइन के बारे में पहले जानेंगे, ठीक। उसके बाद ही मैं लेटर्स के बारे में आपको बताऊंगी। नेक्स्ट है ऐसे, देखिए ये है हमारा स्लैंटिंग लाइन ऐसे, आप बच्चे को ऐसे ही कराएंगे ताकि वो उन्हें अभी कैपिटल लेटर पहले लिखना है तो उन्हें कैपिटल लेटर के लिए कितनी लाइन का यूज करना है वो इसको देख के लिख के अच्छे से जान जाएंगे। फिर नेक्स्ट साइड से स्लैंटिंग लाइन आप ड्रॉ कराएंगे ऐसे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कुछ बना दिया जिगजैग टाइप, जिगजैग है ये, ऐसे ऐसे बच्चे ड्रॉ करेंगे जैसे कि वो नीचे फोर्थ लाइन में नहीं जाते हैं और उनके
जो हैंड है वो सेट हो जाते हैं लिखने के लिए। ठीक है, ऐसे ही आप वन वन पेज उनको, उन्हें ये सब आपको वन पेज तो ज़रूर कराएं, ज़रूर। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे मैंने कर्व लाइन बनाए हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, आप ऐसे भी वन पेज टू पेज आप जितना भी अगर आपको बच्चा कर सकते हैं आप, ये नहीं है कि एक ही दिन में आप सारे पैटर्न्स ना कराएं, आप वन बाय वन करके आप दो दो एक 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 पैटर्न्स वन डे फिर ऐसे ऐसे कराएं। नेक्स्ट मैंने ऐसे इधर से हाफ का हाफ कर्व लाइन बना दिया है, ऐसे बच्चे करेंगे बिना डॉट के, आप बिल्कुल भी ये वर्क ना दें। एंड नेक्स्ट मैंने बना दिया ये पैटर्न कि बच्चों का राइटिंग राइटिंग पे बहुत बच्चों के मार्क्स कट जाते हैं, सो अगर पेरेंट्स थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बच्चों की हैंड राइटिंग भी अच्छी बनेगी। मैं आपको हैंड राइटिंग भी बताऊंगी कि कैसे लिखते हैं कर्सिव राइटिंग, हाउ टू कैसे उसको स्टार्ट करते हैं, बट थोड़ा सा छोटे बच्चे हैं तो इन्हें अभी हमें फोर लाइन का इन्हें नॉलेज देना है ऐसे। आप ठीक है, आप ऐसे एक बार दैट साइड से एंड दिस साइड से आप टू टाइप से आप बच्चों को ऐसे ऐसे बता सकते हैं। ऐसे ठीक है, ओके पेरेंट्स। अब जब आप यहाँ तक ये पूरा करा लीजिए, उसके आगे की मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको ए बी सी डी कैसे लिखाने हैं इन कॉपी फोर लाइंस की कॉपी में। टिल देन यू कीप राइटिंग एंड लर्निंग, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।